Greetings to everyone from Autopedia Believes. Honda has recently launched the all-new fifth generation of Honda City. This bold front is taken to the next level with the integration of full LED headlamps, and in ZX variant you'll get 9 LED arrays inline the shell. The price will start from 10.89 lakh for the petrol base variant to 14.7 lakh ex-showroom price for the diesel ZX variant. And Honda has introduced three variants in this new Honda City: V, VX and ZX. Whereas in petrol you'll get manual 6-speed transmission option as well as CVT option, but in diesel you'll get only manual transmission. Rear ki baat kare, rear is all the way refreshed. Aur boot space ek bar check kar lete hain. इसमें आपको जो बूट मिलता है 506 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट. और जो आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, स्पेयर व्हील भी आपको अलॉय में मिलेगा इसमें, यस. और जो टायर साइजेस हैं, टायर साइजेस बेस वेरिएंट में 15 इंच के अलॉय हैं और VX और ZX में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. जो मटेरियल के साथ इसको कवर किया गया है, ऑल्दो दैट मटेरियल इज़ नॉट दैट गुड बट स्टिल दे कवर्ड एंड इट्स मैनेजेबल. और जहाँ पर आपको बूट का लाइट मिलता है वो कवर्ड नहीं है एरिया. टेल लैम्प्स की बात करते हैं, इसमें जो टेल लैम्प गए हैं, टेल लैम्प दिए गए हैं, इट्स जेड शेप्ड 3D रैप्ड अराउंड LED टेल लैम्प्स विद यूनिफॉर्म एज लाइट्स एंड LED साइड मार्क लाइट्स विच कंटिन्यू टू हाईलाइट द स्लीक डिज़ाइन ऑफ द कार. साइड डिज़ाइन कताना जैपनीज डिज़ाइन जो कि समुराई स्वॉर्ड के रेफरेंस में लिया गया है. फ्रंट इज ऑल द वे कंप्लीट LED डिज़ाइन. यू हैव गॉट अ वाइल्ड अपर ग्रिल इन द फ्रंट, प्रेजेंट्स द सिग्नेचर होंडा सॉलिड विंग फेस. एज यू कैन सी दैट्स अ कंप्लीटली न्यू डिज़ाइन. इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन होंडा सिविक. चाबी आप जो इसका की रिमोट है मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं रिमोट से. दो बार आपको अनलॉक का प्रेस बटन प्रेस करना है, देन रिटर्न का एक बटन दिया है एंड देन योर व्हीकल स्टार्ट. और ZX में आप इसके पावर विंडो भी यहां से ऑपरेट कर पाएंगे. लिड का ऑप्शन भी आपको मिलता है, बूट भी आप यहां से ओपन कर सकते हैं. गाड़ी का इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं. देखिए, जो आपको स्टेयरिंग माउंट मिलते हैं, इसमें वॉइस असिस्ट भी है और साथ ही में आपको क्रूज कंट्रोल का रिमोट या क्रूज कंट्रोल के रिमोट्स भी मिल जाते हैं. और ये आपके हेडलाइट्स की लेवलिंग को मॉनिटर करने के लिए, को ऑपरेट करने के लिए, को चेंज करने के लिए रिमोट दिया गया है. और इंटीरियर इज ऑल द वे रिफ्रेश्ड. और स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है. आप दो मोबाइल यहाँ पे इजीली चार्ज कर सकते हैं. बहुत प्रैक्टिकल स्पेस दिया गया है होंडा सिटी में, जो पहले हमेशा से एक इशू रहता था. तो बहुत प्रैक्टिकल इसमें आपको देखने को मिलेगा. ग्लू बॉक्स में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है. और जो आप ये देख रहे हैं, 17.7 सेंटीमीटर का HD फुल कलर TFT मीटर आपको मिलता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो आप स्टेयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही में एक बटन दिया गया है जिससे आप इसका ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. और इसमें आपको जी मीटर, डिजिटल स्पीड, क्रूज कंट्रोल डिस्प्ले, इको असिस्ट सब कुछ देखने को मिलता है. और अगर बात करें गाड़ी के सराउंड साउंड की, 8 स्पीकर प्रीमियम सराउंड साउंड आपको मिलता है, जिसमें 2 ट्वीटर्स रहेंगे. और ये इंफॉर्मेशन सारी आपको इस MID में देखने को मिलती है. एंड यू कैन ईजिली मोनिटर थ्रू योर स्टेयरिंग ओनली. और कुछ इंटीरियर के फीचर्स की बात कर लेते हैं. इसमें वॉक अवे ऑटो लॉक ऑप्शन मिलता है, फुली क्लाइमेट कंट्रोल जो ऑटोमेटिक है इसमें आपको मिलेगा. और MID के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें एजाइल हैंडलिंग असिस्ट आपको मिलता है और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट मिलेगा, हिल स्टार्ट असिस्ट है, 4 रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है. और ये देखिए आप स्टेयरिंग पे, सो दिस इज़ अ स्क्रोल बटन जहाँ से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं. होम पे जाएंगे तो सबसे पहले होम आपका खुलेगा, देन यू जस्ट नीड टू स्क्रोल अप और डाउन
ये इसमें आपके ऑप्शंस टैकोमीटर, रेंज, फ्यूल, स्पीड, टाइम, जी मीटर, सेटिंग. जी मीटर में बेसिकली जब आप गाड़ी को स्पीड अप करते हैं तो एक ग्राफ बना हुआ आता है विच लुक्स वेरी इम्प्रेसिव इन दिस. और साथ साथ इसमें ABS विद EBD आपको मिल ही रहा है. और ऑल पावर विंडो जो मिलेंगी वो अप डाउन विथ पिंच गार्ड मिलती हैं. ऑटो डिमिंग इंटीरियर मिरर भी आपको इसमें मिल जाता है. और इस साथ साथ इसी MID में आप टायर प्रेशरिंग मॉनिटर भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया आपको क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑटो में मिलता है. दो दैट इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जिसमें आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें मिल जाता है. और साथ ही साथ अगर आप बात करें ऑल द वे जो इंटीरियर इज ऑल द वे वेरी रिफ्रेशिंग. और जो आप ये देख रहे हैं मटेरियल इज़ नॉट दैट गुड कंपेयरिंग टू द प्रीवियस जनरेशन. और दो इट्स अ CVT, आपको डेड पेडल इसमें मिल जाएगा. साइड पैनल्स आप डोर के देख रहे हैं, क्वालिटी इज़ ओके. क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है आपको लिवर्स पे जिससे आप डोर को ओपन करते हैं. ये डेडिकेटेड एक स्पेस मिलता है आपको मोबाइल पॉकेट के तौर पे जिसमें आप मोबाइल प्लेस कर सकते हैं. रियर एसी वेंट मिल जाते हैं जिसमें दो चार्जिंग पोर्ट भी एक्स्ट्रा रहेंगे. सिंगल पिंच आपको मिल जाती है इसमें. सनरूफ विच इज़ आपको मिलेगा VX के वेरिएंट से शुरू होगा साथ ही साथ. और इंटीरियर अच्छा है. और पीछे की सीट में आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं जिसमें कि क्योंकि विथ जो है गाड़ी की वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है प्रीवियस की गाड़ी से. और डोर ट्रिम्स आप देख रहे हैं, डोर ट्रिम्स की क्वालिटी जैसे मैंने मेंशन किया इट्स नॉट दैट गुड बट स्टिल इट्स ओके. और इसकी जो लंबाई है वो 109 mm ये गाड़ी लंबी है. इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का IVTEC DOHC विद वेरिएबल टाइमिंग कंट्रोल मिलता है. DOHC मीन्स डबल ओवरहेड कैम, जो कि बेस्ड है हाईली एक्यूरेसी वॉल्व कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो DOHC और BTC को बताया है. दिस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड BS6 इंजन इम्प्रूव्स कंबशन एफिशिएंसी एज वेल एज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड लोअर एमिशंस. और साथ ही साथ डीजल की बात करें तो 1.5 लीटर डीजल का DTEC DOHC डीजल इंजन मिलेगा जो अपहोल्डिंग अ लेगेसी ऑफ लीविंग बिहाइंड अ ग्रीनर अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन. एंड ऑल न्यू सिटी हैज अ क्लीन डीजल इंजन जो कि BS6 नॉर्म्स में कंप्लायंस होगा. स्पेसिफिकली वेयर NSC और NOx स्टोरेज कैटलिस्ट विद डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स और DPF आर यूज्ड द एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जो कि इसको कंप्लायंस बनाता है BS6 के. और इसके बाद आप एक जो इसका बेस वेरिएंट है वी में देख लेते हैं कि वी में क्या डिफरेंसेस हैं. वी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. वी से ही आपको 4 एयरबैग मिलेंगे और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन इसमें मिलेगा. और साथ ही साथ जो टायर के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्राउंड क्लियरेंस विल रिमेन सेम क्योंकि 175 का टायर इसमें है. 15 inch का अलॉय है और जो टॉप एंड में 16 inch का अलॉय है. लेकिन उसमें जो टायर का विथ है रिम से जो हाइट है वो कम है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको MID नहीं मिल रहा है. दैट्स इट. सो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम ऑटोपीडिया बिलीव्स. इसकी टेस्टिंग हम करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे इस गाड़ी का एंड विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट सो दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ईच एंड एवरी मॉडल जिसमें प्राइसिंग को लेकर के और गाड़ी के परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे. सो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम ऑटोपीडिया बिलीव्स. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.